कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जैसे मुसलमान धर्म कहां से प्रारंभ हुआ, जैसे ईसाई धर्म हुआ पहले, उसके बाद फिर आदम सिंह जी से प्रारंभ हुई यही प्रक्रिया। आदम जी के अंदर भी काल प्रवेश करके अपनी बोली बोलने लगा आदम जी के अंदर, और उसके बाद फिर उनके पुत्रों में, उनसे आगे आने वालों में उनके फरिश्ते भी ऐसे ही बोलने लगे जैसे काल प्रवेश करके बोलता है। ऐसे ही फिर उनके फरिश्ते भी बोलते हैं और काल भी, कभी कभी काल भी बोलता है, लेकिन बोलता कैसे है, किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके जो अच्छी आत्माएं मानी जाती है उनमें वो काल, वो ब्रह्म स्वयं आता है और वो बोलता है, और फिर वो आदेश अपने देता रहता है। कभी काल बोलता है, कभी उनके फरिश्ते बोलते हैं। फरिश्तों के जो आदेश है वो उससे भी निम्न स्तर के होते हैं, जैसे मांस मिट्टी खाने का आदेश दे देना, ये फरिश्ते बोलते हैं, ये काल भगवान नहीं बोलता, उससे नीचे के स्तर में आकर के ये बात बिगड़ के फिर उन महापुरुषों ने, डरतों ने या प्यारी आत्मा ने सोचा कि अल्लाह बोल रहा है इस व्यक्ति विशेष में, उनके सब आदेश नोट करते चले गए और एक पवित्र पुस्तकें बन गई, जिसमें पवित्र बाइबल और चारों कुरान बना दी। तो ये केवल काल तक की ही व्यवस्था और व्याख्या है, इससे आगे नहीं। ऐसे ही अब एक माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी नाम का एक और पंथ बन रहा है नया, और उसमें यही व्यवस्था है। दो बहनें बैठ जाती हैं, उनको पवित्र आत्मा कहा जाता है। उनका स्वयं मानना है कि पहले एक लेखराम शर्मा नाम के व्यक्ति थे, लेखराज, और उनके अंदर कहते हैं भगवान बोला था, और उसके बाद उसको ब्रह्मा की संज्ञा दे दी कि ये ब्रह्मा है, जो अभी थोड़े से दिन पहले वो शरीर में थे। इन्होंने चारों युगों को भी 1250 वर्ष के बना करके 2500 वर्ष में पूरा ही चारों युग बना दिए। ये अपनी सोच है, शास्त्र विरुद्ध है, कहीं वेद में नहीं कि गीता के अंदर नहीं। माउंट आबू राजस्थान के अंदर एक ब्रह्मा कुमारी नाम से एक नया पंथ प्रारंभ हो रहा है, हो चुका है, और उनमें ऐसे जैसे मुसलमान धर्म प्रारंभ हुआ था, भगवान निराकार अल्लाह, निराकार भगवान काल, वो ऐसे ही किसी पुजारी में, किसी व्यक्ति विशेष में आकर के बोलता, उसके आदेश नोट कर लिए गए और उससे कुरान बन गई। और अब इन महापुरुषों का जो ब्रह्मा कुमारी के ऊपर आश्रित हैं, उनका मानना है कि अब वहां दो लड़कियां, दो बहन, अच्छी आत्माएं वहां पर बैठती हैं, उनमें कोई शक्ति आती है ऊपर से। वो पहले बहुत निढाल हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती तुम कौन हो, और फिर वो एकदम बोलती हैं तो उनकी आवाज में परिवर्तन होता है, उनकी कड़कदार आवाज होती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं, फिर वो आदेश रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं वो परमात्मा इस महापुरुष के अंदर बोला था, और ये पहले पुस्तक देखिए, साप्ताहिक पाठ्यक्रम ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान में, ये आपके सामने आया, और ये यहां देखिएगा। ये वही है प्राप्ति, प्रजापिता ब्रह्म, ये प्राप्ति स्थान है विश्वविद्यालय शिला बाईपास चौक, ये रोहतक से प्राप्त की है, एक भगत जी हमारे पास लेकर आया। ये माने जाते हैं श्री लेखराम जी
कहते हैं इनके अंदर काल यानी वो शिव भगवान, वो शिव कहते हैं काल को, और समझ नहीं पाए ये काल ही तो बोल गया इनके अंदर भी, अब अपनी व्याख्या गलत सलत जैसी समझ माई। ये देखो परम पिता शिव, परम पिता शिव, गीता ज्ञान दाता। अब देखियो आपके सामने भेद खुलेगा, ये बोली आत्मा भी कहां टिक कर बैठेगी। ये देखिए परम पिता परमात्मा शिव इन्हीं के मानवीय तन में प्रविष्ट संविष्ट अथवा अवतरित होते हैं। इन्हीं के कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान तथा प्राय लुप्त सहज राज योग की दीक्षा देते हैं तथा प्रजा पिता तथा पवित्रता एवं सद्गुण संपन्न जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब इसी ये महापुरुष का अवनवरण किया सुना। अब देखो इसी के प्रश्न नंबर 100 यहां पर पहले 43 पर देखिएगा, 143, 142 से प्रारंभ करते हैं नीचे से। कोई प्रश्न करता है, प्रश्न आ रहा है ब्रह्मा कुमारी किसी व्यक्ति किसी बहन के अंदर वो आत्मा बोल रही है किसी की, ये मान रहे हैं भगवान बोल रहा है ब्रह्म बोल रहा है, ये तो कोई देव गण इधर के ही अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, इनके अंदर आकर प्रेत की तरह जैसे भूत बढ़िया करें किसी में। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर को भी आत्मा का रथ माना गया है, अतः प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मानवी आत्मा तो थी ही, उस तन में भगवान शिव के दिव प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना ऐसा कहा गया है। ये मानते तो है गीता का ज्ञान जो कहा वो ठीक है, लेकिन वो शिव ने कहा, कृष्ण ने नहीं, कृष्ण जी ने नहीं कहा, इनका मानना है। वो शिव कौन है? वो काल है। ये नहीं समझ पाई जो काल स्वयं कहता पर गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूं, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक सा आ, परंतु इन धार्मिक और अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये अपने आप में समझ रहे हम बहुत श्रेष्ठ कर दिया, और दूसरों को कहते हैं कि ये नहीं समझ पाए कि उसके अंदर शरीर में जो है ना शिव प्रवेश कर गया कृष्ण जी के में, यानी वो इनको शिव का नहीं बेरा, शिव कौन है? और जब गीता का आर्ट भी ले रहे मानो गीता का खंडन कर दिया। क्या कहा इन्होंने कि जैसे ब्रह्मा के शरीर में आदम के शरीर में ब्रह्मा के शरीर में शिव भगवान आकर बोले, ऐसे ही श्री कृष्ण के रूप में दिव प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, यानी श्री कृष्ण के रूप में काल शिव भगवान, ये कहते हैं वो शिव आके बोला, ये शिव नहीं तीन लोकाला कहते, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचने वाला वो शिव बोला इसमें, ऐसा कहा गया। यानी गीता इस शिव ने कहा, ये शिव दिखाता हूं ये किसको मानते हैं, परंतु इन धार्मिक अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ ना हो जाने के कारण आज के लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, मानो वह गीता का खंडन कर रहा है। और फिर क्या बताते हैं कि भगवान श्री राम से पहले श्री कृष्ण का जन्म, लेकिन की बुद्धि अब तक जितना भी हमने सुना है यही सुना कि त्रेता में श्री राम आए और द्वापर में श्री कृष्ण, ये क्या तुक्का लगा रहे हैं, इनके देवता बोल रहे हैं देवियों में, जो सारे अधूरे ज्ञान को आधारित कर दिया। सतयुग मनुष्य 16 कला संपूर्ण अर्थात अवस्था वाले होते हैं और त्रेता युग में मनुष्य 14 कला संपूर्ण वाले, अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी को जो कि 16 कला संपूर्ण थे वह श्री राम से पहले हुए, परंतु आज के लोगों ने यह वास्तविक ज्ञान नहीं है। बताओ ये भूत बोल रहे हैं इनके अंदर उल्टे सुलटे तगड़मबाजी ला के। अब भक्तात्माओं ये विचार करना, ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। देखो कितने तुक्के लगा लगा के अंदर क्या होते हैं ये जो जिनकी अधूरी भक्ति रह जाती है, पिछले जन्म जन्म के अच्छे संस्कारी अंश थे, अब वो पितर रूप में बने हुए हैं और वो जैसे भूत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे ही ये पितर बनकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और उनकी आत्मा में जो सोच पहले सारे जीवनों में एकत्रित किया हुआ संग्रहित ज्ञान है उसको ही अब उन दूसरी आत्माओं में शरीरों में प्रवेश करके अब वो अपने ओले बोले ज्ञान को फिर दृढ़ करें, और भोली आत्मा ने सोचे भगवान बोल रहा तो ऊपर से आ रही है ना आवाज, ये आवाज भगवान की है जो गीता फेल करे, जिस जो
वेदों के विपरीत बता रही है। और आज तक के जितने शास्त्र प्रमाणित गीता को सत मानते हैं तो 418 पुराणों को भी सत मानना होगा, महाभारत को भी सत मानना होगा, क्योंकि उनका लेखक श्री वेद व्यास जी एक ही है। चारों वेदों का, गीता जी का, 18 पुराणों का, महाभारत का, श्री मद भगवत सुधा सागर का और गीता जी का। इसलिए किसी भी शास्त्र को गलत नहीं किया जा सकता। अपनी सोच कमजोर है वो अलग चीज है। और फिर बताते हैं कि श्री राम से पहले श्री कृष्ण हुआ, क्योंकि वो 16 कला के थे, वो 14 के थे, घटते आगे है। तारा भला ये धन है तारे माता पिता ने। अब ऐसे ये बात बिगड़कर धार्मिकता इतनी गिर जाएगी, क्योंकि वेदों को भी रिजेक्ट करने लग जाएंगे अंत में इन अधूरे शास्त्रों पर आधारित होकर बोली आत्मा। अब देखो इसी में क्या लिखा है आगे, ये वही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ये क्या माना जाता है इनका कि जो हम इसमें लिख रहे हैं ये हम नहीं लिख रहे, ये तो उनके आदेश है उस परमात्मा के, उस उन बहनों के अंदर आते हैं, वही हम रिकॉर्ड करके फिर आगे कोई प्रश्न करता उसका उत्तर देते हैं। आगे देखो इसी में, इसके प्रश्न नंबर अभी आपने यहां पढ़ा था 143 यहां तक पढ़ा। अब देखियो किसी ने जिज्ञासु ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर दिया, क्या क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी उस लड़की में वो काल बोला, वो ब्रह्म काल शिव बोल रहा काल, जो गीता में कहता मैं काल हूं सबको खाऊंगा, क्या बोला ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करके, ब्रह्मा उस कुमारी लड़की में बोला वो काल, उसको शिव कहे, इनका ज्ञान गोलमोल, कभी ब्रह्मा कहे कभी शिव कहे, कहते ब्रह्मा में शिव बढ़ गया, शिव न फिर ब्रह्मा की आत्मा फिर समेत शिव के कुमारी में बढ़ आ जाती है, ब्रह्मा कुमारी होगी। ब्रह्मा कुमारी उत्तर देती है, हाँ जीवन में पवित्रता और सुख, पवित्रता सुख और शांति की प्राप्ति के साथ तो इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है। इस पहली को जानने से तो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्त का अधिकारी होता। आप पूछेंगे कैसे, देखिए गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर, मन मना भव मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्व पापे भय मुक्षामी। अब ना तो कोई श्लोक पूरा लिखते क्यों, इनको पूरा ज्ञान तो है नहीं, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, इसका पूरा करके श्लोक करते जब देखना पता लगता वो कि क्या उस ब्रह्मा कुमारी ने ना, इन उनके ब्रह्मा कुमारी ने कहेगा मेरा अधूरा यू ले लिया। और फिर कहा अब प्रश्न उठता, ये तो पूरा कर दिया, अब इसका क्या अर्थ बनता है मैं समझाऊंगा, दास समझाएगा आपको, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि ये महावाक्य ये देखो किसके हैं, श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी शिव के। अब देखो ये हो ज्योत स्वरूपी काल, ये क्या कहना चाहते हैं कि ये वाक्य जो है श्री कृष्ण के हैं या ज्योत स्वरूपी परमात्मा शिव के। शरीरधारी देवता को याद करने से मनुष्य भला मुक्ति की अवस्था अर्थात शरीर के संबंध से न्यारी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है। फिर पतित पावन या पाप कटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई तो पाप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा के कर्तव्य एक परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए इस बात यह बात स्पष्ट करनी पड़ती है कि गीता ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूप युगकाल, जो कहता गीता में सारे न खाऊंगा, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल है स्वयं, ज्ञान के सागर अलौकिक जन्म से रहित पतित पावन परम पिता शिव ने दिया। ये काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ब्रह्म लोक में रहता है, एक ब्रह्मांड तक का विज्ञान इन महापुरुषों को पूरा नहीं है। अगर उन्होंने देखा होता तो बताते कि वो वास्तव में शिव रूप में है, फिर उन्होंने शिव कैसे मान लिया, वो शिव है बताओ। और उसे ही आप याद कीजिए, उस परमात्मा से आपको मुक्ति जीवन मुक्ति अथवा श्री नारायण श्री कृष्ण जैसे वेद पद की प्राप्ति होगी। ओह बलाओ जय बंदी छड़ की। अब देखो अतः भारतवासियों को तो
विशेष तौर पर यह बताने की आवश्यकता है कि गीता ज्ञान परम पिता परमात्मा शिव ने दिया, क्योंकि भारत में तो घर घर में गीता का पाठ होता है, उसका परम पिता तो भगवान शिव ही है। श्री कृष्ण पूर्ण पावन है परंतु पाप कटेश्वर या मुक्तेश्वर तो नहीं है, वह बैकुंठ नाथ है परंतु बैकुंठ नाथ बनाने वाला अब सबका परम पिता भगवान शिव ही है। अब यहां देखना भक्तात्माओं, अब ये एक नया और भ्रमित पंथ प्रारंभ हो गया। ये क्या कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और नाम शिव है उसका, और उसका लिंग शिवलिंग आकार है। शिवलिंग ने तो पूजा करे उसको तो आकार मानते हैं, और कहते हैं शिव वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो निराकार है फलाना है। और वो है कौन, ये कहते हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके कौन बोला, शिव बोले शिव। अब देखिए हम आपको वो ब्रह्मांड का चित्र दिखाऊं। अब ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, अंड भी इसे कहते हैं, एक अंडे टाइप में एलिपिकल शेप है इसकी, और पिंड भी इसे कहते हैं, ब्रह्मांड भी इसे कहते हैं। ये है त्रिलोकीय भगवान विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, ये शिव लोक, ये तीन लोक के जो प्रभु बना रखे इस काल भगवान ने। और यही यहां इस ब्रह्म लोक में महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव में ये काल ही रहता है, और इसी ने प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में आकर के गुप्त रूप में अपना गीता का ज्ञान बताया था। अब ये ब्रह्मा कुमारी वाले उलट पुलट करके ये महापुरुष, क्योंकि इनके अंदर वही प्रेतात्मा बोल रही हैं जो लेखराज जी की थी, वही आती हैं अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, और जैसे प्रेत बोला करते हैं वो स्वयं काल, ये अगर ये बोलते भगवान शिव भी बोलते, यानी जिसको ये काल कह रहे हैं यानी ब्रह्म कह रहे हैं, तो ये ओल पचौल ज्ञान नहीं देते, वो गीता का ही ज्ञान देते जो कि उन्होंने पहले दिया है। इससे सिद्ध होता है कि वो नहीं बोल रहे, इनको भ्रम लगा हुआ, ये कोई और ही आत्मा है जो भ्रमित है प्रेतवत प्रवेश करके, और अन्य लोगों के गण देवता आकर उनमें बोल रहे हैं। अब ये चित्र है वो परमात्मा का, ये एक ब्रह्मांड का भी उनको सही ढंग से जानकारी नहीं है। ये शिव को त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, उलझ पुलझ होकर, अब दिखाता हूं आपको। और ये स्वयं भी मानते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो दूसरा शिव है जो ज्योत स्वरूपी है, वो ये काल यहाँ पर धोखा दिए हुए हैं। देवी भागवत महापुराण और शिव पुराण पढ़ के देखना, ये महापुरुष तो किसी शास्त्र को आधार भी नहीं मान रहे हैं, ये तो अपने इन्हीं को आधार मानते जो इनके देवगण जो इनके अंदर बोल बोल के इनको बता रहे हैं, इसको ये सत शास्त्र बना रहे हैं, और यही फिर भ्रमित करेगा पूरे विश्व को अनजान पड़े में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं और हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है। अगर इन पुराने शास्त्रों को नहीं कोई मानता तो वो नए तो बिल्कुल व्रत समझना, वो कोई भी मानने योग्य नहीं है। और दूसरी बात इनकी पक्की करते हैं कि ये कहते हैं कि वो शिव बोला तो वो काल बोला। अब जैसे ये स्वयं मानते हैं कृष्ण जी के अंदर कृष्ण ही बोला, शिव बोला, वो शिव है तो वो काल है। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाता हूं, वो स्वयं कहता है कि मैं सबको खाने के लिए अर्जुन आया हूं। ये देखो पवित्र गीता जी, और ये काल ही, काल के संदेश भी नहीं है ये, काल के होते तो गीता जैसे ही होते, गीता से भिन्न है तो वो इस ब्रह्म के भी नहीं है। अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर ये 32 में देखो, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, वैसे तो ये काल है, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब स्वयं फिर पढ़ लीजिए, ये स्वयं कहता है, अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि कृष्ण जी में ये शिव बोला तो वो शिव तो कह रहा है कि मैं तो काल हूं, मैं तो ये सीधा काल लिखा काल है, मैं बड़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ही के अधूरे संदेश यानी अधूरे इनके देवताओं गणों के आदेश, जैसे भूत प्रेत पितर, ये पितर गण भी ऐसे ही कलाएं करते हैं,
किसी में प्रवेश करके अपने अपने संदेश जितनी उन्हें सारी उम्र में अपनी सोच ठोकी थी अधूरे शास्त्र पढ़ के, अब इनके माध्यम से अब नए ढंग से शास्त्र अपने हिसाब से अधूरी सोच के ये बनवा रहे हैं। ये स्वयं मानते हैं इसके अंदर के अब इन्होंने क्या किया है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अधूरा व्याख्या की। इतना ही इससे आगे भी देखो वो क्या कहता है भगवान। अगर गीता को ये ब्रह्मा कुमारी वाले सत्य मानते हैं तो सभी को सत्य फिर पढ़ो इन शास्त्रों को। इसमें ये शिव मान लीजिए, आप बोल रहे हो शिव कह रहा है, वो शिव तो कहता है कि उस और परमात्मा है उसको भजन करो। यहां देखो गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 से प्रारंभ कीजिए। इसी में 62 वैसे तो 61 से भी इसी का संपर्क है, लेकिन यहां देखिए हे भारत। अच्छा ये गीता में मान ये भी मानते हैं। ये देखो पहले ये देखिएगा, हे अर्जुन ये परमेश्वर के बारे में जानकारी दी कि वो परमात्मा सब के प्राणियों के अंदर रहता है। अब नीचे देखो हे भारत सब प्रकार से, ये देखिएगा इतना अच्छी तरह पूरा पर्दे पे, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब गीता में ये शिव बोल रहा है तो वो परमात्मा कौन है? अब देखो 62वां और अपने कहता है मेरी शरण में रहेगा तो ऐसा होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय, 63वां श्लोक 18वें अध्याय का, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर। आगे फिर देखो 64वें, ये शिव कह रहा है, मान लीजिए शिव बोल रहा है, वो काल बोल रहा है। अब 64वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि गोपनीय से भी गोपनीय, और पहले गोपनीय तो कह दिया कि मेरी शरण में होगा तो मुझे बजले, उसकी शरण में जागा तो उसको प्राप्त होगा। अब और गोपनीय क्या रह गया? अब देखो संस्कर देखो, पहले ये लिखते हैं कि सर्व गुहतम मम, यानी कति सर्व गुप्त से भी गुप्त, भूय माने फिर, सरुण माने सुन, सरुणो माने सुन, मे माने मेरे, परम माने श्रेष्ठ, वच माने वाक्य। अब मेरे और गुप्त से गुप्त एक और तन सबसे गुप्त से भी और गुप्त भेद बता दूं। ये क्या है कि इष्ट असी में मेरा भी इष्ट देव है। कौन? दृढ़म यानी पक्का, इति माने यही कौन जो दूसरा के उसकी शरण में जा, और तत्व माने इसलिए, त्वक्षामि ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित में बताता हूँ कि मैं भी उस इष्ट यानी मेरा भी पूज्य देव वो परमात्मा है जो दूसरा पूर्ण ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है। ये इष्ट यानी मेरा, तो मेरा भी पूज्य देव वो ही है, मैं तेरे ते सच्ची बताऊं ये पक्का मेरा भी वही पूज्य देव है। अर्थात ये काल भी ये शिव भी जिसको ये अजन्मा ब्रह्मा कुमारी वाले बता रहे हैं, इनके देवता जो लड़कियां बोल बोल कर गुमराह कर रहे हैं, वो अधूरी सोच दे रहे हैं। जब भगवान स्वयं कह रहा कि मैं तो किसी और को पूजता हूं, अगर वो बोलता भगवान तो ये ऐसा बताते। अब 64वां, अब 65वां देखो, यहां देखो 65वां, अब इसमें कहा कि मन मना, अब ये ले लिया इन एक वाक्य मन मना भव, और बाकी भी खोलते इसको गीता जी को, तब पता लगता ब्रह्मा कुमारी वाली कितनी सच्चाई बता रहे हैं। वो सब अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं अनजानपने में। मन मना भव, अभी दिखाऊंगा आपको इनके, इन्होंने इसका इतना श्लोक ले लिया, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय, प्रिय माने प्रिय है, मेरा प्रिय है। अब इन्होंने इस एक वाक्य को लिया है, अभी दिखाऊंगा आपको, अधूरा छोड़ दिया। आगे देखो इसके बाद ये 66वां श्लोक है, ये लिखा ना सर्व पापे भाम मोक्षामी, इसका इतना ये ले रखा है, ये पूरा ना लिया, ये लिया उन्होंने कि सर्व पापे भय मोक्षामी, क्योंकि ना तो उनके देवतान बेरा उसमें भूत बोलने सारे आकर के उल्ट सुलट ज्ञान दे रहे। अगर भगवान बोलता वही जिसने गीता बोली थी, क्या वो ऐसे ही बोलता? आज भी गीता बोल सकता, बुलवा के देखो उनते गीता सारी। सर्व धर्मान प्रीता जमाम,
अब यहाँ काल भगवान कहता है, ये जिसको ये शिव बोलते हैं, ये शिव महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में ब्रह्म लोक में रहता है, एक ब्रह्मंड में। अब क्या कहता है कि मेरी सभी धार्मिक पूजाएं जो तूने विधिवत आज तक की हैं उनको छोड़ दे, मेरी सबको, एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। एकम का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, वो पूर्ण ब्रह्म की शरणम माने शरण में, व्रज माने जा। अब इन्होंने व्रज का अर्थ कर दिया आजा, इसका अनर्थ कर दिया। व्रज माने भगवान तो कहता जा, फिर अहम मन मैं तवा मन तेरे को सर्व पापे भय सभी पापों से मोक्षामी छुड़वा दूंगा, मोक्ष कर दूंगा, मां सोचे। अब इसका ऋण उतर जाएगा क्योंकि ओम नाम की कमाई हम इसको दे जाएंगे काल को, और फिर बाकी इसका ऋण मुक्त हो जाएगा, ये हमें छोड़ देगा। अब ये सरलास्त करना था, इन्होंने छोटा सा कान उसका पकड़ लिया और सिर किसी का ले लिया। अब देखो आपको दिखाता हूं, वही जो आप इन अधूरे व्याख्या करने वाले महापुरुषों ने अब फिर एक और नया गुमराह करने का तरीका अपना लिया। 143 पे यही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान, इसी के वही देखो 143 पृष्ठ पे, या नीचे जो ज्ञान कहते कहते यहाँ आए हैं, यहाँ देखिएगा। गीता का, गीता के भगवान को जानना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी हाँ, जीवन में पवित्रता आदि लाने के लिए जानना जरूरी है, यहाँ इसलिए देखिए गीता के, देखिए गीता के भगवान के महावाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर मन मना भव। आगे ना लिखा है इसका, इसका पूरा लिखते 63 में श्लोक का, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये देखियो सर्व पापे भो मोक्षामी, उससे पहले भी सुनाते 3-4 श्लोक हैं, उनमें लिखा है वो परमात्मा की शरण में जाइए। शिव बोल रहा है, जिसको शिव भगवान सर्वशक्तिमान सर्वसवा सबके रचयिता कल्याणकारक है, वो इसका कोई कोई मालिक नहीं, सब कुछ ही, तो वो स्वयं कहता है उसकी शरण में जा। अब ये बातें अब आपको दिखाता हूं, इन महापुरुषों के द्वारा सृष्टि का की रचना का कैसे क्रम बनाया, ऐसे ही अपनी अपनी सोच ठोक के, ना कोई वेदों का आधार ना शास्त्रों का आधार। इसी पुस्तक के ये पृष्ठ नंबर आप देखिए, ये देखो 111 पृष्ठ है, ये 110 है, ये 11 पे है, ये कल्प वृक्ष बना दिया, ना कोई वेद आधार ना कोई गीता आधार, अपनी अपनी अधूरी सोच के आधार पर ये सब बना के रख दिया। अब बताओ इसका क्या तुक बनता है, यहाँ कौन बना दिया, ये क्या बना के रख दिया। अब इसके बाद 93 पृष्ठ पर फिर देखो इनका, इसमें क्या लिखा है, ये देखो अब 93 पृष्ठ पे, ये 93 पृष्ठ है, और ये देखिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम वही है, यही सृष्टि, यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है। बताओ इनकी बुद्धि देखो, ये परमात्मा मेर करो इनकी बुद्धि पे, यह सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है, इसका चित्र दिखा दिया गया है, इसका तुल्य और स्पष्ट रूप प्रश्न नंबर 111 पर आपने देख लिया, वो दिखाया अभी को, पर निश्चित किया गया है उसे देखिए। ये देखो यहाँ स्पष्ट क्या कर दिया कि ये ब्रह्मा और सावित्री तो जड़ हैं, और यो कृष्ण जी, और फिर यो श्री राम जी, कृष्ण जी पहले आगे और फिर राम जी, और फिर ये पत्ते दिखा रखे, ये परमात्मा, ये ठोकन लग रहे अभी अधूरे ज्ञान। सतयुग और त्रेता युग का वर्णन, अब यहां विचार करना माना भक्तात्माओं, अब यहां देखिएगा कि ब्रह्मा कुमारी जी के मानने वाले ये महापुरुष इस बात को तो मानते हैं कि गीता भगवान शिव ने बोली, अर्थात हम उसे काल कहते हैं क्योंकि उस समय 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अपने आप को काल कह रहे हैं, और वही कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोला, उसी ने वेद रचे,
ये सब मानते हैं कि सभी वेदों के रचयिता भी वही थे। अब जैसे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके वेद रचे, ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता रची, तो इससे सिद्ध होता है कि वो काल भगवान है जो कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला। और वो स्वयं कह रहा है, गीता जी का ज्ञान बता रहा है कि ये उल्टा लटका हुआ सृष्टि रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों रूप शाखा रूपी, तीनों गुणों रूपी शाखा समझो। और फिर उसी का प्रमाण आगे बता रहे हैं, इसी 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। अब यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ये देखियो, ये वही आदरणीय गीता जी। और इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये अध्याय नंबर 15 है और ये श्लोक नंबर 16 है। ये नीचे इसकी संस्कृत है, इधर देखिएगा ये वाली, इसमें है कि दवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस पृथ्वी वाले लोकों में, यानी परब्रह्म और ब्रह्म के जो लोक हैं ये पृथ्वी वाले लोक बोले जाते हैं। इन पृथ्वी वाले लोकों में, लोक में, लोके माने लोक, लोक में ये दो पृथ्वी वाला लोक बोला जाता है, ये असारा ही मिलाकर दो भगवान, पुरुषों माने भगवान, अक्षर है क्षर है चाहे अक्षर है, नाशवान और अविनाशी दो भगवान हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के शरीर तो सर अक्षर है और सतुल शरीर, और जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी कहा गया, दो भगवान एक नाशवान एक अविनाशी। यहां देखिएगा इधर ले 16, ये 16 का है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं यानी भगवान हैं। यहां भगवान लिखना था इन्होंने, प्रभु लिखना था। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसी प्रकार ये ऐसे जीवात्मा ये अविनाश। फिर इसमें लिखा कि इन दोनों भगवानों से उत्तम पुरुषत्व अन्य, यानी वो ब्रह्म बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है वो शिव, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं, वो गीता में श्री कृष्ण के शरीर में बोला, वो शिव खुद कह रहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में परमात्मा, वास्तव भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। ये है वो जड़ अविनाशी परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, नी अक्षर ब्रह्म, वो तीसरा भगवान। अपने बारे में ये काल भगवान कह रहा, जो शिव जिसको ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, ये क्या कहता है 18वें श्लोक में कि मैं तो केवल इतना ही भगवान हूं, इतना ही मालिक हूं, सर्वोत्तम नहीं हूं। इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं तो इस नाशवान शरीर में जितने प्राणी है और आत्मा जो मेरे अंदर अंतर्गत आती है उनसे मैं तगड़ा हूं, अतीत हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। ये देखो यहां से, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, परंतु मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। क्योंकि वो तो 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य है, यानी मेरे से भी और उससे भी वो कोई और परमात्मा है। अब इसके बारे में ये चित्र देखिएगा, ये आपको स्पष्ट करेगा। अब यहां देखो, ये कबीर साहब की वाणी और गीता अध्याय नंबर 15। अब वास्तव में ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 के प्रथम, द्वितीय और 16, 17, 18 श्लोक का विशेष वर्णन। ये पूर्ण ब्रह्म है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखो, ये है वो जड़ जहां पर उन्होंने ब्रह्मा को बैठा रखा है और सरस्वती को बैठा रखा है नादान संतों ने। इससे सिद्ध होता है कि ये किसी पूर्ण शक्तियुक्त संत के आदेश नहीं है, इनमें कोई भूत बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। ये देखियो, इन्होंने ये बताया सृष्टि प्रोग्राम, ये ब्रह्मा कुमारी वालों ने।
अब देखो इनकी अकल, भगवान सोधी दे नमत। ये प्रार्थना करता हूँ मालिक, ये ब्रह्मा बैठा रखे यहाँ पर, सरस्वती बिठा दी, और ये कहते हैं जड़ है सबके पालन करता तीनों लोक के। और 110 पे बताते हैं उसको, देखो अच्छी तरह वहां पर और दिखा दिया। तो ऐसे ही आपको ये है वो सत कथा, वेदों आधार पर, गीता आधार पर। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकीदार, ये नहीं अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष ये पौधा जहां से मिट्टी से ऊपर प्रारंभ होता है वो माना जाता है, यहाँ से ऊपर ऊपर। ये है अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकीदार और तीनों देवा शाखा है। ये तो काल, ये परब्रह्म है। और यहाँ देखो इससे इस वृक्ष की एक ऐसी ऐसी घनी डार होती है, उनमें से एक डार है, ये ब्रह्म क्षर पुरुष है। ये ज्योत स्वरूपी भगवान है जिसको ये शिव कहते हैं, और इसके इस महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में भी ये रहता है ब्रह्मलोक में, एक ब्रह्मंड में। और इसके तीन पुत्र हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रचयिता भी उन्होंने स्वीकार किया, पढ़ पढ़ा कर कबीर साहब की वाणी को, और कहीं नहीं देखा है इन्होंने कुछ भी। ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों गुणों रूपी ये शाखाएं इस संसार रूपी वृक्ष की है, और ये पात्र रूप संसार। ये ऐसे समझना चाहिए था, अगर ऐसा बताया होता तो हम मानते कि उनमें कोई काल बोल रहा है। अब काल यानी ब्रह्म भी नहीं बोल रहा, ना वो सदा शिव बोल रहा है, कोई प्रेत आत्मा इनके अंदर अपने ही अधूरे ज्ञान को जो उन्होंने सारे जीवन में कभी संग्रह किया था, अब वो प्रेत यानी वो पितर बने हुए हैं, अधूरे साधक होते हैं, वो भ्रमित रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, वो ऐसे भ्रमणा भटकना लगे रहते हैं। अब इस काल का पूरा चित्र देखिए आप, इस काल के इन्होंने पूर्ण ज्ञान भी कोई ना ज्ञान होता तो सारी बताते, इसे से दो था इनके पास नहीं है वो तथ्य, क्योंकि इन भोड़ी आत्माओं को कोई भय कालो, इनको प्रभु की तलाश है, उसी को सत मानकर उस पर लग जाते हैं। ये देखो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म के जिसको शिव शिव कहते हैं, एक लोक इक्कीस ब्रह्मंड का लघु चित्र, ये है वास्तविक वो। ये क्या है कि यहाँ वो काल सेंस 1000 बुझा के रूप में यहाँ रहता है, ये 21 ब्रह्मंड को इसने ऐसे रोक रखा है, ऐसा है। और इसने फिर स्वयं चतुराई की है, ये 4 महाब्रह्मंड बना दिए, इनमें 5-5 ब्रह्मंडों का एक ग्रुप बना रखा है, इनमें 20 ब्रह्मंडों को रोक के एक एक ब्रह्मा एक एक विष्णु एक 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 में स्वयं ही रुद्र भी और स्वयं ही अपना अलग ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव रूप बनाकर हरेक ब्रह्मंड में ब्रह्म लोक में रहता है। और फिर यह नकली लोक बना रखे हैं, सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक, ये नकली बना के ये सतलोक की कोई महिमा सुन भी लेंगे कबीर साहब के शास्त्र पढ़ गए तो अच्छी पुण्यात्मा होंगी, श्री श्रेष्ठ साधना करने वाली वेदों के अनुसार ओम नाम से प्रारंभ करेंगी तो उनको यहाँ बैठा देगा और कहेगा भी सतलोक में रहते हैं ये पिन्न के वेरा बेचारे जो यहाँ रहते हैं नादान प्राणी, वो कहे हम सतलोक में रहते हैं ऊपर और प्राणी है, और ये काल यहाँ 1,00,000 को रोज खाता है। अब इस प्रकार के ये अधूरे शास्त्र बनकर कलयुग में इस भक्ति का कति विनाश करेंगे। और अब देखिए इन महापुरुषों ने उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी कौन है, कोई लड़की है जो जिसने शादी नहीं करवा रखी होगी होती, और उसमें कहते हैं वो भगवान बोल रहे है, और फिर कहते हैं ब्रह्मा बोल रहे है, ब्रह्मा में शिव बोल रहे है, और वो फिर उसमें बोल रहे है, और फिर के बतावे कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य रहेगा और मनुष्य तो मनुष्य रहेंगे और गधे कुत्ते बने रहेंगे, क्योंकि उनकी प्रमोशन होगी, मनुष्य जो बन गए वो प्रमोटेड हो गए नीचे की दुनिया भोग भाग, अब वो फिर कभी नहीं वो बनेंगे, दूसरी दुनिया में नहीं जाएंगे, फिर कौन भक्ति करेगा, खाओ पियो मौज करो अपना, उसने गधा बनना ना कुत्ता बनना ना सूर बनना। और फिर ये कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, क्या गधे में भी हो सकता है, क्या कुत्ते में भी होगा, क्या गंध में भी भगवान होगा, इनको ये भी नहीं मालूम परमात्मा सर्वव्यापकता क्या होती है प्रभु की और आकार और निराकार क्या होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर इतने बड़े शास्त्र भगवान क्यों लिखते हुए महापुरुष, आज तक के जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने यही बताया कि कर्म आधार पर जीव अपने शरीर बदलता रहता है। ये देखिए वही ब्रह्मा कुमारी साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मावीर कुमारी भी, ब्रह्मा तो ये बोल रहे हैं कि उसमें ब्रह्मा बोलता है इस कुमारी माँ के लड़की में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय
पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान, ये माउंट आबू में है। इसके प्रश्न नंबर इस पर देखिए, ये पांचवा दिन उनका ज्ञान का 119 से 118 पे देखना। इधर मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती, यानी मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा। ब्रह्मा कुमारी बतावे है, वो शरीर में बोल रहा है, भगवान कहते शिव बोल रहा है इस लड़की के अंदर, मैंने आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संयम युग, संगम युग का अर्थात सारे कल्प का इतिहास सुनाया। सारे कल्प में मनुष्य आत्मा 84 जन्म मनुष्य योनियों में लेती है, वह 84 योनियों में नहीं जाती। अतः इस इतिहास मनुष्य योनि में मनुष्य आत्मा के पतन और उत्थान का इतिहास है। अब यहां देखो, आप कहते हो कि कर्म दंड भोगना के लिए योनिया में जाती है, तो कहते हैं मनुष्य जीवन में कौन सी वो सुखी रहती है, इसमें भी तो बहुत भोग भोगती है। मनुष्य योनि में भी अनेक दुख हैं, मनुष्य आत्मा को दुख भोगने के लिए पुष्य योनि में नहीं जाना पड़ता। देखिए इनकी बुद्धि, ये परमात्मा अब कहां ले जाकर छोड़ेंगे समाज को। नीचे देखो क्या बताऊं है कि घोड़े की कीमत आदमी से भी ज्यादा है, बता कहां मनुष्य की कीमत, कहां घोड़े की कीमत। एक घोड़े की इतनी कीमत होती है जितनी की मनुष्य की भी नहीं होती। बता मनुष्य के जीवन की सारी पृथ्वी तोल दे तो भी कोई ना कीमत हो, सारे लोग तोल दे तो भी कीमत नहीं मानव शरीर की। आत्मा के लिए योनि परिवर्तन की कल्पना मिथ्या है, ये फाइनल आदेश है उस ब्रह्मा कुमारी के भगवान का। अब इस प्रकार ये अधूरे ज्ञान और अनजान अटकलें इस भगत समाज को डुबोगे छोड़ेंगी। मेरी ही प्रार्थना है भक्तात्माओं, अब भी अगर समझ जाए तो जीव ये प्राणी उद्धार हो सकता है। हमने इन मूल शास्त्रों से आगे कोई शास्त्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर ये भगवान भी बोलते तो क्या गीता को दोबारा नहीं बोल सकते? बोल दो गीता, फिर बोलने की क्या जरूरत है? गीता पहले लिखी हुई है, जब उसने गीता में सारा संदेश दे ही दिया, फिर अन्य उसके आदेश की कहां आवश्यकता रहेगी? क्या उसमें गलती होगी? उसको स्वयं मान रहे हैं कि वो गीता सही है, पर वो भगवान कृष्ण के शरीर में शिव बोला, वो शिव को, महाशिव को, महाब्रह्मा, महाविष्णु, वो शिव स्वयं काल है। अब इससे सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर का ज्ञान प्रारंभ हो रहा है। अब इस ज्ञान के सामने ये सभी ऐसे हो जाएंगे, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तो होब का करता चले मैदानी, तारा मंडल बैठे करिए चांद बढ़ाई खावे, उदय भया जब सूरज कहा स्यों तारों छिप जावे। अब कबीर साहब के सत्य ज्ञान के सामने ये सभी जितने भी अधूरे अधूरे ज्ञान हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे जैसे सूर्य उदय होने पर वो चंद्रमा और सितारे सब दिखाई नहीं देते, उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। सत साहिब, अब जैसा कि आप सुन रहे थे भक्तात्मा, ब्रह्मा कुमारी जो नया पंथ प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य मनुष्य रहता है और अन्य पक्षी पशु जो अपने कर्म भोगते रहते हैं। फिर ये साथ में एक और बात कहते हैं कि अभी तक जितनी भी कथाएं सुनी हैं उनमें सुना है कि मेरा पिछला जन्म मनुष्य का था, मैं वो था, ऐसे था, किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं पीछे पशु था। इससे ये कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही रहते हैं, उन्होंने अपने 84 जीवन पूरे कर लिए और फिर आगे उन्हीं के अंदर चलते रहेंगे। अब प्रथम तो ये प्रमाण देना चाहेंगे आपको कि हमने उन मूल शास्त्रों को नहीं भूलना चाहिए जो अभी तक हमारे पूर्वज आधारित रहे। बात दूसरी रही कि उनमें क्या लिखा है, ये अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा क्योंकि उन मार्गदर्शकों को स्वयं ही ज्ञान नहीं था। उन शास्त्रों को नहीं भूलना चाहिए, चारों वेद और गीता जी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का सत शास्त्र ग्रंथ साहिब, उनकी वाणी, कबीर साखी, कबीर बीजक, शब्दावली आदि जो भी शब्द है वो सारा कुछ हमने सत मानना होगा। और इनके सहयोगी
विस्तृत कथाओं का आधार जो है वो 18 पुराण महाभारत श्री सुधा सागर आदि, ये भी झूठ नहीं हुए। ये बिल्कुल जहां तक इनमें वर्णन है बिल्कुल सही है, लेकिन समझे नहीं पाए वो उन संतों की अधूरी सोच रही। इसके अलावा कोई अतिरिक्त कोई बात और कहता है वो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि गीता जी 18 पुराण चारों वेद महाभारत सुदाशाग्र ये एक ही लेखक महर्षि वेद व्यासी द्वारा यानी दोबारा लिखी गई है। इनमें प्रमाण आता है कि एक हाहा हूहू नाम के दो तपस्वी थे, उन्होंने अपने तप की अपनी अपनी महिमा के आधार पर प्रभुता बना ली कि मैं ज्यादा तपस्वी हूं, मेरा तप तेरे से श्रेष्ठ है, अधिक शक्ति युक्त है। उसका न्याय कराने के लिए कि कौन से का तप ज्यादा अच्छा है कौन से का कम है। अब ज्यादा लंबी कथा ना करके मैं ये बताना चाहूंगा कि वो अपनी तपस्या का निर्णय कराने के लिए कि किसकी श्रेष्ठ है किसकी अश्रेष्ठ है पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तपस्वी लोग हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, वचन इनके सिद्ध होते हैं, यदि मैंने एक को श्रेष्ठ बताया दूसरा श्राप देगा, इसलिए कहा महाराज मुझे नहीं मालूम, मैं तो सृष्टि की रचना में उलझा रहता हूं और आप भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव के पास गए तो उनसे पूछा, शिव जी की समाधि लगी हुई थी, वो अपना ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने पूछा, भगवान हमारी ऐसी ऐसी समस्या समाधान करो। भगवान शिव ने कहा भी मैं तो देखो इतना तप तुम्हारे जैसा किया नहीं, मैं तो अपनी अन्य साधना करता हूं और इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं, आप जाओ भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी ने भी ऐसे टाल दिया भी मुझे तो ना मैंने कभी तप किया ना मुझे इतना ज्ञान है, आप मतंग ऋषि के पास जाओ। अब वो दोनों के दोनों मतंग ऋषि जी के पास आते हैं। मतंग ऋषि ज्यादा डिल डोल शरीर था उनका, वो विशाल काय थे, मोटे तौजे तगड़े। दूर से जब वो हाहा हूहू आ रहे थे, उन्होंने अपने ही मन में एक ऐसी धारणा आई उनको देखकर उस महापुरुष के मोटे शरीर को तगड़े को, एक के मन में आया कि ये तो अच्छा हाथी जैसा नजर आ रहा है, ये काहे का तपस्वी होगा, ये काहे का न्याय करेगा। दूसरे ने सोचा ये अच्छा मगरमच्छ पड़ा है, ये काहे का हमारा निर्णय करेगा। अब जो ही हाहा हूहू नाम के वो दोनों देव पुरुष देवता व्यक्ति तपस्वी वहां पहुंचे, मतंग ऋषि जी से प्रार्थना की कि हे महाराज जी, हे ऋषिवर, हमारा फैसला करो। मैं कहता हूं मेरा तप ज्यादा है तेरे से, ये कहता है मेरा ज्यादा है, आप ही फैसला करो। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम स्वयं ही फैसला करो बेटा, जाके तुम तो फैसला कर चुके हो। अक नहीं जी, अक हां जी, तुम कर चुके हो। तो तेरे मन में क्या आया कि ये हाथी जैसा पड़ा है, और तेरे मन में क्या आया कि मगरमच्छ जैसा पड़ा है। तय तो मगरमच्छ बन और तय बन जा हाथी, और तुम अपना स्वयं फैसला करना कौन ताकतवर है। उसी समय उनके प्राण छूट गए, वो शरीर समाप्त हुआ, हाथी और गरहा यानी उसके मगरमच्छ के उन दोनों का जन्म हुआ। फिर उनका कई हजार वर्ष तक जल में लड़ाई रही, हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया जब पानी पीने गया था, कई हजार 10,000 वर्ष तक कहते हैं उनका युद्ध होता रहा। आखिर में हाथी जब डूबने को हुआ, थोड़ा सा सूंड उसका बाहर बचा, तब उसने हृदय से ईश्वर को याद किया, क्योंकि पिछली कमाई उनकी सत भक्ति भी थी, अब वो गलत साधना करके अपने को आपको प्रभु मान रहे थे। उस पिछली कमाई जन्म जन्मों की कमाई के आधार पर जब उन्हें हृदय से रोए प्रभु के सामने, उसमें परमात्मा ने आकर के उनका फैसला किया, उनकी वो जूनी छुटवाई और फिर मनुष्य शरीर में उनको फिर दिया, और बचा हुआ जो शरीर था मानव का वो फिर दोबारा दिया, और फिर बताया कि डंकी भक्ति करो, ये शास्त्र विरुद्ध साधना पापी लोग करते हैं,
ऐसा ही गीता में वर्णन है। तो अब ये प्रमाण आपके सामने है कि मनुष्य शरीर से पशु बने और पशु से फिर मनुष्य बने, ऐसे ही बहुत प्रमाण है। परंतु ये कलियोगी ऋषि कलियोगी संत इन पुराने शास्त्रों को अब धीरे धीरे रिजेक्ट करेंगे और अब कति कर्महीनता पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं चाहिए। प्रार्थना है मेरी इनसे कि इस भगत समाज को कोई भक्ति करने योग्य छोड़ दो, नहीं तो सब नास्तिक हो जाएंगे और एक दूसरे को के दुश्मन बन जाएंगे। यदि प्राणी को यह डर नहीं रहेगा कि तू 84 लाख जोनियों में जाओगे तो ये भक्ति नहीं करेगा। और दूसरा, इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर से हमारे पास कम से कम सैकड़ों भक्त आए, बहन और भाई आए हैं, उन्होंने बताया कि वो तो केवल निराकार और इसको शिव को ही मालिक मानते हैं, नाम कुछ नहीं जपना, बस अंदर अपना उन्होंने जो आदेश आए हैं वो सुनते रहो, अपना जीवन ठीक रखो, सुचारू रखो और साथ में उस भगवान शिव के जो गुणों को याद करके चिंतन करते रहो, समाधि लगाते रहो, शांति हो जाएगी। काल के लोक में कति शांति नहीं और ना शिव के ध्यान से शांति। वो खुद कहते हैं अर्जुन तुझे परम शांति चाहिए तो उस परम पिता परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म के पास जा, वह तो परम शांति को प्राप्त होगा। अगर यहाँ रहेगा मेरे पास तो तूने युद्ध भी करना होगा, कर्म भी भोगना होगा और अपने यानी युद्ध भी करना होगा। और ये ब्रह्मा कुमारी वाले उसी काल भगवान को ही शिव मानकर उसको सर्वस्वा शांतिदायक जन्म कर्म पाप कर्म काटने वाला है, कर्म मुक्तेश्वर पाप मुक्तेश्वर पता नहीं क्या क्या नाम रखा है, ये ना तो पाप कर्म काट सकता या ना जन्म मरण जीव का मिट सकता और 84 लाख जोनियों में अवश्य ही जाना होगा कर्म आधार पर। ये अपनी भूल है, अपनी ही सोच आप लोगों की। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु की तरफ शास्त्रों के अनुसार से हमने लगना चाहिए। अब आपको हरियाणा के अंदर एक सच्चा सौदा जिसको धन धन सतगुरु नाम से भी जाना जाता है, उनका ही इतिहास सुनाएंगे। ये दास केवल एक टेप रिकॉर्डर का और साथ में इन शास्त्रों का जिन महापुरुषों ने आकर नाम लिया भक्तों ने, उन्होंने बताई मुझे कि हम ये नाम जपते थे और फिर ये माथा ठनका इस दास का। कमाल हो गया, कहीं तो सत्य मिला है। हम शास्त्र को त्याग के अन्य आधार पर संत भक्तों को कर रहे हैं तो हम दोषी हैं। अब देखिएगा, ये पुस्तक है दास के पास एक सतगुरु के करिश्मे, सतगुरु के परमार्थी करिश्मे, कृष्णों के वृंतांत पहला भाग, भाग पहला, संग्रह करता पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा के, ये इनकी तरफ से ये प्रकाशित है। इनमें ये किन से शुरू हुआ है, ये इन महापुरुष से प्रारंभ हुआ। आदरणीय श्री परम संत शाह मस्ताना जी महाराज, इनको बलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये इन महापुरुषों ने इसका नारा लगाया। देखो कितनी प्यारी सूरत, कितने अच्छी आत्मा साधु वृत्ति वैसे झलक रही है इनके चेहरे में कि युगों युगों के ऋषि और महर्षि रहे होंगे जब ये सत साधना किया करते थे। इन्होंने यहाँ आकर के सिरसा में बेगू रोड पर ये स्थापना की है। इससे पहले इनकी बैक हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि ये महात्मा ये महापुरुष कहाँ से आए, इनके गुरुजी कौन थे। इसमें ये महात्मा जी जो हैं, विक्रमी संवत 1948 सन 1891 कार्तिक पूर्णिमा को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल के घर पर जन्म लिया। कहां? परम संत बेपरवाह मस्ताना जी का गांव कोटड़ा, तहसील गंधेय, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिता का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था। ये महात्मा जी बलोचिस्तान के रहने वाले थे
और इनका पुराना नाम जो है खेमामल जी था। अब देखिए पहले इनका जीवन परिचय। परम पूजनीय बेप्रवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेप्रवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा तहसील गंधेय रियासत कुलैत बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था। आगे आगे यहां देखो, पूज्य बेप्रवाह मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था। परम पूज्य बाबा सावन सिंह जी महाराज आपको मस्ताना साहा कहा करते थे, इसलिए इनका नाम मस्ताना पड़ गया। और यहां देखिए इन्होंने, ये देखो, अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावन जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि व आत्मिक शांति महसूस हुई। अब आपने सतगुरु पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना तो आपको पूर्ण तसल्ली हो गई कि पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं, इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली। नाम दात के साथ ही हजूर बाबा जी ने आप जी को बेअंत बरकतें बख्शीश में दे दी। इसी प्रश्न पर आगे है कि एक दिन वही पीर, यानी कोई पीर गया सावन जी सिंह जी के पास, उसने कहा कि मुझे भी वो नाम दे दो जो आपने मस्ताना जी को दिया है। एक दिन वही पीर बेपरवाह मस्ताना जी के साथ डेरा ब्यास गया और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से प्रार्थना की कि मुझे भी सत मस्ताना साहा वाला नाम प्रदान करो। इसका मतलब नाम में भेदभाव है। उसको कुछ, मस्ताना जी को कुछ दे दिया सावन सिंह जी ने और पीर को मना कर दिया, कहने लगा और करो। इस पर बाबा पूज्य बाबा सावन सिंह जी ने हुक्म फरमाया, भाई बख्शीश तो एक को ही होती है और वह हमने मस्ताना जी को कर दी। तुम नामदान प्राप्त करके उसकी कमाई अभ्यास करो। अब देखो इनको अपने हिसाब से बना रहे हैं। नाम तो एक ही होता है, उस महापुरुष में कमाई ज्यादा थी, उनके अपने पिछले संस्कार अच्छे थे, वो जल्दी उदय हो गए, नाम नूम से कोई सहारा नहीं मिला उसको। वो तो पहले परम संत थे, बचपन से इनकी समाधि लग जाती थी 9 वर्ष की आयु में। अभी दिखाता हूं आपको। अच्छा आगे लिखा है कि कुछ समय बाद बाबा जी ने आपको नाम प्रचार करने के लिए सावन सिंह जी ने मस्ताना जी को हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय तक तो आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1948 में 57 वर्ष की आयु में शहर के करीब 2.5-2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा स्थापित किया, कायम किया। अब वास्तविकता क्या है कि ये प्यारी आत्मा युगों युगों के ऋषि थे और सत भक्ति वेदों अनुसार इन्होंने की हुई है, जो त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर में द्वापर तक अच्छी भक्ति विधिवत साधना। ये बुद्धि भ्रष्ट मेरे जैसे संत नहीं थे उस समय, जो मनमुखी बात बताकर जीवों को उलझा रहे हैं, ये नहीं थे। केवल वेदों के आधार पर ही, जो एक ही मार्ग वेद मूल शास्त्र है, इसी के आधार पर सभी भक्ति करते थे, गुरु पूर्ण बनाते थे, वो गुरु मान्यता प्राप्त होते थे। आम व्यक्ति गुरु पद पर नहीं बैठता था, चाहे उसको कितना ही कुछ क्यों ना करना पड़ो, क्योंकि एक महापाप है ये इन अज्ञानी जीवों के जन्म के साथ धोखा करना, सबसे बड़ा दुश्मनी का काम है ये। तो इन महापुरुषों ने पहले जन्म जन्म में बहुत अच्छी कमाई की हुई थी और वही प्रभु भक्ति की कमाई इनको प्रेरणा दे रही थी, संत की तलाश कर रही थी और ये जा पहुंचे वहां ब्यास में। अब प्यासा कहीं ना कहीं घूमता है, उसको फिर जैसा मंत्र मिल गया उसके ऊपर आधारित हो जाते हैं और सोचते हैं कि तेरी भक्ति बिल्कुल सही है। और उन महापुरुषों की वह अपनी ही कमाई होती है। अब सावन सिंह जी के उस समय शिष्य ये श्री शाह मस्ताना जी, श्री चरण सिंह जी और श्री
ये कृपाल सिंह जी, ये तीन थे। इन तीनों में से बाबा सावन सिंह जी ने केवल शरण सिंह जी को ही वहां पर गद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। जैसा भी, ये दोनों फिर वहां से अपने अपने हिसाब से आ गए। कृपाल सिंह जी ने यहां दिल्ली में बना लिया, इन्होंने वहां बेगू रोड पर अपना आप ही बना लिया। अगर देखो, वो पांच नाम देते थे और राधा स्वामी नाम से उस डेरे को बनाया हुआ था। तो इन्होंने प्रथम तो गुरु की मर्यादा भंग करी कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, यो नारा लगा। राधा स्वामी में क्या दिक्कत आई थी ये सोचना होगा। प्रथम तो राधा स्वामी पंथ भी उस इस जिससे ये अपना पंथ माना मानते हैं उसको मुखिया मानते हैं, वो स्वयं कहते हैं हजूर श्री प्रथम तो ये राधा स्वामी पंथ उस महापुरुष का है ही नहीं जिसको ये अपना मुखिया और जिससे ये मानते हैं कि वो हमारे प्रमुख रहे हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।